साहब जी के भाई बीके यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भाइया ने बाल किशन भाई की हाथ जोड़कर राम राम। ठीक हो गए, उम्मीद है अपन है अगर आप सब ठीक ठाक हो गए, कोरोना तो बचे रही हो। ठीक है साथियों, और आज अपने जो सीरीज चल रही है जिले की, उसमें एक जिला है रेवाड़ी जिला आज करवाएंगे, और हरियाणा का बहुत ही बेहतरीन जिला आज आपके बीच में लेकर आया हूँ। बड़ी मिट्टी बोली है रेवाड़ी की, और बोली तो पूरा हरियाणा की मिट्टी है, लेकिन आज वो अपना जिले वाइज जो है सिस्टम उसमें हर जिले की अलग अलग है। जैसे इन्होंने बहन का पुराना बैल का जिला था टिब्बो मिठो, तो ये डाल के शब्द का प्रयोग करेंगे। रेवाड़ी कहानी कह तरह, गुड़गांव कहानी कह तरह, कह तरह तैयारी करा, ये डाल के शब्द का प्रयोग करेंगे। बड़ा मिश्रण है जिंद गाने आओ भी के थड़कानी डाल की बोली है, बड़ा मस्त हरियाणा है। और आज की वीडियो सबसे छोटा स्टूडेंट है मेरा आदित्य सांगवान सोनीपत है, चौथी क्लास में पढ़ा छोरा, तैयारी करना आ गया तो पहले भाई तेरे खातर वीडियो है रेवाड़ी जिला। और ठीक है रेवाड़ी तो ध्यान में, रेवाड़ी में बहुत बड़े स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट है पूजा, वीडियो ने देखे तो शेयर जरूर कर दिया, पढ़ लिया कर। ठीक है ओके, तो ये शुरुआत करेंगे रेवाड़ी तक। रेवाड़ी हरियाणा का बहुत ही बेहतरीन जिला है। पहला तो इसकी दिशा पूछेगा भाई, वो दिशा हरियाणा की जो किस दिशा में है यो, तो ये जो रेवाड़ी जिला है हरियाणा के दक्षिण भाग में है। कौन से भाग में है? दक्षिण भाग का जिला है रेवाड़ी जिला, दक्षिण भाग का जिला है। ओके भाई, आजकल बेरोजगार देख के कोई राजी को, ठीक है घर न बेरोजगार है, बालक की कति कदर को नीट, नौकरी लग जाओ तो पूरी इज्जत है, सही जूस पी लो चाहिए दूध पी लो सारे पूछे, और बेरोजगार देख के कति राजी को नहीं। फिर भी दो तीन किले थे, रिश्ता आ गया, बेरोजगार था उसका रिश्ता आ गया, तो रिश्ता आया भाई उन्हें देखा घर का ठीक से नीचा पड़ रहा, थोड़ा हाई दो कमरा है, किले तीन है, चक्कर काट कूट के भाई जान लग गया। बोला के बात हुई? बोले भाई छोरा समझ में को नहीं आया, बेरोजगार था चेक करके भी रहे थे। बोले भाई समझ में तुम्हारे भी को नहीं हो, पर हम करा के कहने का मतलब है हम तो इसका कि कर ना सकते, समझ में तो मारे भी को नहीं। नौकरी लग जाओ ना किसी के समझ में नहीं आओगे, और नौकरी लागे पत तो सारे समझ में आ जाओगे। ठीक है ना, तो अपना यो हरियाणा ही समझ बड़ा ध्यान रखियो। दिशा पूछा दक्षिण भाग में हरियाणा का रेवाड़ी जिला है। प्राचीन नाम इसका, जो प्राचीन नाम है बड़ा बिगाड़ना है यो, रेवावाड़ी, रेवावाड़ी तो इसका प्राचीन नाम है रेवाड़ी का। ठीक है, दक्षिण भाग का जो जिला है रेवावाड़ी तो इसका प्राचीन नाम है। इसकी स्थापना पेपर में बहुत बार पूछी गई है। इसकी स्थापना चार जिले बने थे हरियाणा में, 1 नवंबर 1989 में वो जिला बना था हरियाणा का। रेवाड़ी जो जिला है 1989 में वो जिला बना था। ठीक है साथियों, 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के चार जिले बने थे, रेवाड़ी यमुनानगर पानीपत व कैथल। ठीक है, और उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन जिला है जो आपका रेवाड़ी जिला था। ठीक है, उसके बाद इसका देखो दिशा होगी, प्राचीन नाम होगा, स्थापना होगी, उसके बाद इसका पूछेगा क्षेत्रफल कितना है रेवाड़ी का। ठीक है, तो रेवाड़ी का जो क्षेत्रफल है ये कभी कई बार क्या है कि जो ये जिले हैं इनको क्रम वाइज सेट करना रहता है एक दूसरा, जैसे जिला है भाई उत्तर दे क्रम में लिखो छठ दे क्रम में अवरोही और अवरोही क्रम इसका पूछ रहे हैं। तो रेवाड़ी का जो क्षेत्रफल है लगभग 1594 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो इसका क्षेत्रफल है 1594 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है साथियों, ओके रिपोर्ट। उसके बाद जनसंख्या पूछ रहे हैं कि जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या तो लगभग इसकी जनसंख्या है 9 लाख इसकी जनसंख्या है 9,32,000, लेकिन पर जरूरी बोली 9 लाख ध्यान में रखियो, कई बार नुए पूछा गया है निम्न जिले में से किसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है 10 लाख से कम है। ठीक है, तो लगभग इसकी जो जनसंख्या वाकई कमी है 9 लाख इसकी जनसंख्या है। क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गया, उसके बाद है लिंगा अनुपात। लिंगा अनुपात भी पूछा गया है कई बार पेपर में, और इसका लिंगानुपात है 898।
898 क्षेत्रफल भी है जिले का, पंचकुला जिले का जो क्षेत्रफल हो कितना है 898 है, लेकिन इसका जो लिंगानुपात हो कितना 898 है। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व भी पेपर में पूछा जा सके है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व सिरसा जिले का 303, लेकिन इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 565 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है, ठीक है साथियों। तो इसका जनसंख्या घनत्व 565 है, लिंगानुपात 898 लगभग जनसंख्या इतनी है। इसके बाद है दशकीय वृद्धि दर, दशकीय, दशकीय का मतलब बार बार बताऊं, जैसे 2001 व 2011, 2001 व 2011 के बीच में जो 10 साल हो गए, इसमें लगभग कितनी जनसंख्या में वृद्धि दर हुई, तो 17% की जो है जनसंख्या वृद्धि दर रेवाड़ी जिले की हुई थी, ठीक है, 17% की जनसंख्या वृद्धि दर जो है रेवाड़ी जिले की हुई थी, ठीक है साथियों। उसके बाद इसकी साक्षरता दर, रेवाड़ी की साक्षरता दर जो है वह पूछी जा सकता है, ठीक है, तो 82.2% जो है रेवाड़ी की साक्षरता दर है, 82.2% है वह इस जिले की है साक्षरता दर, ठीक है साथियों। उसके बाद पूछा गया तहसील, यहां लिख देता हूं बाद में रफ कर लेंगे, तहसील भाई और कौन सी है इसकी, तो रेवाड़ी की तहसील है कोसली, रेवाड़ी खुद तो जिला है, तहसील भी होगा, और बावल, कोसली, रेवाड़ी, बावल तो इसकी तहसील है, ठीक है साथियों। उसके बाद यहां दिख रहा है भाई, दिख जाएगा, दिख है, ठीक है, उप तहसील में देखो दारूबेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, दारूबेड़ा एक पेपर में तो यो और यो बावड़ दोनों बहुत बार पेपर में पूछे गए, ठीक है, कोसली भी पूछ लिया, ठीक है, दारूबेड़ा उप तहसील है, दहीना और मनेठी ये इसकी उप तहसील, ओके, रिपोर्ट तहसील होगी, उप तहसील होगी, आधार भूत जो हम मूल इसके क्या हो गए, ये इसके आंकड़े हो गए, ईमेल पर रख कर जो उसके बाद इस जिले में पढ़ना शुरू करेंगे। कलम वाइज तरीके से ये जिले है, मैं सब जिला बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी जो मेन चीज है वो आपको बताऊंगा, और कम समय में ज्यादा जानकारी देने का जो हमारा प्रयास रहेगा। इस वीडियो में देखे बाद आपने थोड़ा अभी तो आवाज आओगी, ठीक काम का गया है, तैयारी ही होती नजर आओगी, पेपर हम करण ला रहे हैं, पास्ट ईयर पेपर, और पास्ट ईयर पेपर अभी ना हरियाणा में तो कल्याण हो, नहीं सेंटर की नौकरी लग जाओ तो मैं कंधा करूँ, ठीक है, क्योंकि यार तो सारा रोड़ा उड़े चल रहा है, पास्ट ईयर पेपर में गए पर्सन बने, ठीक है साथियों। तो इन ज्यादा से ज्यादा की है कि दो वीडियो में एक दो पे देख लिया करो, ये चीज अपना ध्यान में रह जाएगी, ऑप्शन देखा अपन का उत्तर लगा देंगे, ठीक है साथियों। तो उसके बाद जो है आप आगे पढ़ाएंगे, इसमें रेवाड़ी का स्थापना हुई थी, किसके नाम पर बसाया गया था, रेवती के नाम पर, रेवती जो थी इसका नाम पर यो रेवाड़ी किला बसाया गया था, और रेवती का जो किला है गोकलगढ़ गांव में है, ठीक है, रेवती का नाम पे इसको बसाया गया, रेवती, और गोकलगढ़ गांव में इस रेवती का जो किला है, रेवती जो थी वो महाभारत में बलराम की पत्नी थी, महाभारत में जो बलराम था, बलराम की पत्नी का नाम था रेवती, ठीक है, बलराम की जो पत्नी थी वह रेवती थी, तो पेपर में बलराम की ससुराल थी तो रेवाड़ी में थी, ठीक है, बलराम जो था वो महाभारत में दुर्योधन और जो भीम था उनका गधा वाला गुरु था, गधा शिकार था उन्होंने, दोनों का गुरु था, इसलिए जिन दुर्योधन का वध कराया उसकी जान को जिन गधा मारा भीम ने, तो बहुत क्रोधित हो गया था बलराम, न बोले मैंने तेरे से ये उम्मीद नहीं थी और मैंने ऐसी शिक्षा तेरे को नहीं दी थी, अगर आपने युद्ध के नियमों का पालन न करते, क्योंकि गधा युद्ध में जान पर गधा मारना अनिवार्य नहीं होता है,
और करो जो है गुस्सा मार के वो मारने खातर ताल पड़ा था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान था उस टाइम उन्होंने समझाया भाई ये तो धर्म युद्ध है और आपने नहीं देखा, मतलब श्री कृष्ण का ऐसा रोला था उस युद्ध में। तो बलराम की जो ससुराल रेवाड़ी में थी और बलराम की पत्नी का नाम रेवती था, और रेवती के नाम पर हरियाणा का ये बहुत ही बेहतरीन जिला जो है रेवाड़ी जिला बना था, ठीक है। उसके बाद इतिहास का दरअसल देखा तो इतिहासकारों का भी अलग अपना दुख है। इतिहासकार माना है कि इसको 1000 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान, इसको 1000 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के भतीजे, पृथ्वीराज चौहान के भतीजे राजा कंवरपाल द्वारा बसाया गया। यहां नहीं दिखा, पृथ्वीराज चौहान के जो भतीजे थे राजा कंवरपाल द्वारा इसको 1000 ईस्वी में बसाया गया। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, कुछ ये मानते हैं, ये अपने अपने विचारधारा है, अपना जो भी प्रश्न होगा उस हिसाब का अपना इसका उत्तर देना है, ठीक है साथियों। उसके बाद देखो अपना यो तो वही भी के उपनाम भी है, बार बार पेपर में पूछता है रेवाड़ी के उपनाम, सैनिकों का घर पेपर में बहुत बार पेपर में प्रश्न आया है, सैनिकों का घर हरियाणा में सैनिकों का घर किस जिले को कहा जाता है, रेवाड़ी जिले को कहा जाता है, सैनिकों का घर रेवाड़ी जिले को कहा जाता है। उसके बाद है वीर भूमि हरियाणा में किसे कहा जाता है, यो भी रेवाड़ी जिले को कहा जाता है, ठीक है। सैनिकों का घर वीर भूमि, ठीक है। पीतल नगरी हरियाणा का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न माना जाता है ये पीतल नगरी, बार बार पेपर में देखने में मिला है ये प्रश्न, हरियाणा की पीतल नगरी या बड़ा सिटी भी कई बार पेपर में आ लिया। तो पीतल नगरी भी कौन सी है साथियों, रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा गया है, लेकिन एक ध्यान रहे इस प्रश्न के साथ ही बता देता हूं, मिन्नी पीतल नगरी कौन सी हरियाणा की, मिन्नी पीतल नगरी। तो मिन्नी जो पीतल नगरी है साथियों वह जगाधरी है, कौन सी है, जगाधरी को मिन्नी पीतल नगरी कहा गया है। और जगाधरी किस जिले में है, चलो मैं बोल रहा हूँ जी जगह तो वैसे बता दो, जगाधरी जो है यमुनानगर में, और यमुनानगर की और रेवाड़ी की स्थापना एक ही दिन हुई थी, ठीक है साथियों। तो ये इसके उपनाम है, ओके। ये विस्तार का मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी दो बात और पढ़ाएंगे, जो इसकी तहसील है वो किस कारण प्रसिद्ध है। तो रेवाड़ी बहुत ही बेहतरीन जिला है, सैनिकों का वीर भूमि है, और एक पेपर में पूछा था रेवाड़ी के किस शहर ने सबसे ज्यादा सैनिक अधिकारी दिए हैं, रेवाड़ी में कौन सा वो शहर है, जगह का नाम पूछे है जिसने सबसे ज्यादा कस्बा लालो सबसे ज्यादा सैनिक, रेवाड़ी के किस स्थान पर जो है सबसे ज्यादा सैनिक व अधिकारी जो है सबसे ज्यादा कौन सी जगह मिले हैं, तो कोसली के है, कोसली ने जो है सबसे ज्यादा सैनिक और अधिकारी दिए हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद पढ़ाने दारूएड़ा जो है, दारूएड़ा जो औद्योगिक नगर है, और इसमें हीरो होंडा मोटरसाइकिल की स्थापना जो 1885 भी पा सके है, 85-86 हाँ 85-86 कुछ पेपर में तक ये प्रश्न आया नहीं है, लेकिन कन्फर्म है ऑप्शन के हिसाब से दोनों ऑप्शन आ जाए तो 86-87 मेरे हिसाब में इसका सही है, ठीक है। तो 86-87 इसका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है साथियों। तो दारूएड़ा में जो है मोटरसाइकिल उद्योग की स्थापना तो 1901 में कन्फर्म है कर दू क्योंकि वीडियो में उसके बाद मेरे कहा बिल्कुल सही कन्फर्म है, बिल्कुल 86-87 में बिल्कुल इसका सही उत्तर, ठीक है। 1886 में दारूएड़ा औद्योगिक नगर जो है हिरवाणा मोटरसाइकिल की स्थापना की उद्योग की, और यो नेशनल हाईवे NH जो है 8 पर है यो दिल्ली से जयपुर, यो भी पेपर मान लिया दिल्ली से जयपुर, बड़ सा हाईवे पर दिल्ली से जयपुर है, और इसमें जो NH 8 है इसका नया नाम, NH 8 का नया नाम 48 इसका के नाम नया नाम रख दिया गया है, ठीक है साथियों। 48 इसका है नया नाम है, 48 इसका नया नाम है।
ठीक है, कौशली हो गया, दारूएड़ा हो गया, बावड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी जो है अपना इसके नेशनल हाईवे पे है। इसके अलावा तिल्ली जुत्ती, तिल्ली जो जुत्ती है, जूता भी आ सके है, चप्पल भी आ सके है, इनके लिए ये द्रवाड़ी प्रसिद्ध है। ओके रिपोर्ट। बर्तना के अलावा यहां पर जो है तिल्ली जुत्ती, जूता, चप्पल जो है इसके लिए भी द्रवाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद जो मैं जिक्र करूं हिस्से के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहां पर जो है हरियाणा में पहला, सबसे पहला रेलवे स्टेशन किस जिले में बनाया, तो रेवाड़ी में। हरियाणा में सबसे पहला रेल बनाई तो रेवाड़ी में। ठीक है, बहुत ही मजेदार जिला है ये, बड़ा जबरदस्त मजा हो पड़ा और आनंद की अनुभूति हो जी। वैसे ऐसे जिले देखने मिले, ऐसा जिलों का घर है। सलाम इस जिले के निवासियों को, पूरे हरियाणा वासियों को। हरियाणा में जो है साथियों, सबसे पहले ट्रेन कब आई थी, 1873 में कड़ा आई थी रेवाड़ी में। ठीक है, सबसे पुराना स्टेशन भी कौन सा होगा, रेवाड़ी का होगा। ओके रिपोर्ट, कोई टेंशन किसी प्रकार की लियो भी ना, क्योंकि एचआर जी के बाद बीच आपका बीच है, टेंशन लेकर पढ़ोगे तो अपनी क्लास का कोई फायदा होगा। या तो एक ऐसा है जैसे कहानी है को एपिसोड है या बना एक, ठीक है, एक जिला देखे जाओ, अरे पत्ताली गोली पर का काम, बुखार में भड़क में सब क्या में काम करेगी। वो एक काम हरियाणा जी के का है, गुरु पुडीत लाग तस नायब तहसीलदार ते जी के आनी, ठीक, कति को नहीं बदलती। ओके रिपोर्ट, गर्मी है, पसीने आओ, हम आए जाएंगे, कोई बात को नहीं, वीडियो चले जाएगी। सबसे पहली रेल आई 1873 में, पुराना जो रेलवे स्टेशन वो रेवाड़ी में है। ठीक है, और जो पहली सीएनजी ट्रेन चली, सीएनजी गैस तक जो चली थी, वह भी रेवाड़ी से रोहतक चली। ठीक है, रेवाड़ी से रोहतक। उसके बाद रेवाड़ी में और भी कई चीजें हैं। पहला कैंसर संस्थान हरियाणा का, पहला, ये रोचक कहते हैं, पहला कैंसर संस्थान मीरपुर रेवाड़ी में खोला गया। ठीक है, पहला कैंसर संस्थान मीरपुर, हरियाणा की पहली गौशाला भी बड़े खोली रेवाड़ी में खोली गई। लेकिन वर्तमान में सबसे कम गायें हैं। ठीक है, हरियाणा की पहली गौशाला रेवाड़ी में खोली गई, लेकिन वर्तमान में सबसे कम गायें हैं। और हरियाणा में जो है आर्य समाज की जो पहली शाखा वह भी बड़े खोली रेवाड़ी में। ठीक है, आर्य समाज की पहली शाखा भी हरियाणा में बड़े खोली थी, रेवाड़ी में खोली गई थी। एक भाई इंक दे भाई। ठीक है साथियों, तो ये आपने जो इसके आंकड़े हो गए, जैसे ये प्रश्न पूछा जा सके सीएनजी ट्रेन कब चलाई गई, ये पेपर में शायद आ गया है प्रश्न, तो यो 13 जनवरी 2015 को। ठीक है, यो पूछ ले तो 13 जनवरी 2015 को ये ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, तो रेवाड़ी जिला जो है बहुत प्रश्न देने का जिला है, अपने सारे जिले कराने लग रहा हूं मैं लगभग। इनका जो है लॉकडाउन की वजह से अपने पूरे जिले डल जाएंगे, रोज एक दो धीरे धीरे डाल रहे हैं जिले, जो अपने बहुत इनकी प्ले लिस्ट बना जाएंगे। और इन एक जगह एक 22 जिले है और 20-25 मिनट में कोशिश या रहे जिला करा जाए, कम से कम जो मेन चीज होता है प्रमुख व्यक्ति। देखो प्रमुख व्यक्ति आप भी हो जो वीडियो देखने लाग रहे हो या वीडियो बाल किशन की देखने लाग रहे हो, वो प्रमुख व्यक्ति है हरियाणा का। और लेकिन दिक्कत यही हुई, मान ले रोजगार नहीं है तो उसने कोई जान जाएगा, जिस दिन जान लाग जाएगा उसका भी किताबा में नाम हो जाएगा, बड़ा नाम लिखा जाएगा और मैं उसका जीवन परिचय लिखूंगा, कह दूंगा मेरी वीडियो देखा करता, बड़ा मेहनती था, अब टीचरा का सत्कार करा करता, खेल में भी अच्छा था, वो बात आप बनाए देंगे जीवन परिचय। ठीक है, प्रमुख व्यक्ति में सबसे पहले राव तुलाराम,
राव तुलाराम जो था उन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें रेवाड़ी का नेतृत्व किया था। रेवाड़ी नारनौल में गढ़ युद्ध क्षेत्र जो था इसका नेतृत्व राव तुलाराम द्वारा 1857 क्रांति में किया था। ठीक है, एक नाम है बहुत ही बेहतरीन, सर सादी लाल जो अपना हाईकोर्ट था 1919 में जिसकी स्थापना हुई थी लाहौर हाईकोर्ट में, लाहौर हाईकोर्ट जो था उसकी स्थापना 1919 में हुई थी। यदि अधिनियम ये पेपर में प्रश्न आ लिए अधिनियम पूछा जाए तो 1915 के तहत हुई थी और लाहौर हाईकोर्ट में जो पहला भारतीय न्यायाधीश था ये पहला भारतीय न्यायाधीश सर सादी लाल 1919 में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, 1921 में बढ़िया। ठीक है, उसके बाद मोनिका सोनी इसको हरियाणा की लता मंगेशकर कहा जाता है, दिख रहा है हरियाणा की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है, मोनिका सोनी को हरियाणा की लता मंगेशकर कहा जाता है। संतोष यादव दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी 92 और 93 में, 1992-1993 में संतोष यादव दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, इनका समन्वय किस तरह है रेवाड़ी तरह, किस तरह साथियों रेवाड़ी तरह। ठीक है, ये थे प्रमुख व्यक्ति। उसके बाद और बड़ा हमें थोड़ी दो चार बात, वैसे तो जिला बहुत बड़ा है लेकिन अपन मेन मेन चीज पढ़ लेंगे। ठीक है, जो पेपर अकॉर्डिंग टू पेपर, विश्वविद्यालय पेपर मारा था एलडीसी आलमी 2020 जो पेपर है फरवरी में, विश्वविद्यालय पूछा था इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कड़ा मीरपुर रेवाड़ी खेल स्टेडियम। राव तुलाराम विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद है पर्यटन सतला में जो है सत्यो एक तो अपना ही है धाबुआ रेवाड़ी में मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ, जगह का नाम है झाबुआ रेवाड़ी और एक है नहार वन्य जीव अभयारण्य, नहार वन्य जीव अभयारण्य बिगड़ा है रेवाड़ी में। ठीक है, नहार वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी में है, ये मेन मेन बात थी। उसके बाद आप एक जिक्र करा, एक स्थान है रेवाड़ी का जो बार बार पेपर में है, रेवाड़ी के किस स्थान से सबसे ज्यादा सलेट पत्थर प्राप्त होता है, रेवाड़ी का कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा सलेट पत्थर पाया जावे है, तो रेवाड़ी का एक गांव का नाम है कुंड गांव में जो है सलेट पत्थर पाया जा है, सलेट पत्थर पाया जा। ठीक है, और यो जो है महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की सीमा पर लागे है। ठीक है, उसके बाद ही बाजो मिट्टी जो है पीली मिट्टी है दोमट भी कह सका हूं। प्रमुख जो नदी है वह साहिबी नदी है। ठीक है, कौन सी है साहिबी नदी,
फसल गेहूं भी बोए हैं, चना भी बोए हैं, सरसों भी बोए हैं, ये नहीं कह सकते कौन सी ज्यादा हो। ठीक है, नेशनल हाईवे ऊपर बता दिया था NH8 नया नाम 48 नया नाम। ठीक है, ये भी एक बात हो, पुलिस रेंज। ठीक है, पुलिस रेंज साउथ रेंज का मुख्यालय है भाई, बहुत बार पेपर मार है साउथ रेंज, पुलिस की तो साउथ रेंज है, साउथ रेंज का जो मुख्यालय हो किस जिले में है, रेवाड़ी जिले में। पुलिस की साउथ रेंज का मुख्यालय कौन से जिले में है, रेवाड़ी। लेकिन रेवाड़ी है तो मंडल में पूछा जाए तो कौन सा माव है, तो ये आवे गुरुग्राम मंडल में, गुरुग्राम मंडल में यह जिला आता है। ठीक है, और अपना जो अनुसंधान है हिसार में जो एग्रीकल्चर है उसका क्षेत्रीय जो कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय जो उसका बड़ा है वो रेवाड़ी में। देखो साथियों जिला बहुत बड़ा हुआ है, इतना पढ़ लियो बहुत बड़ा है यो, और ऑनलाइन प्रश्न की जो पीडीएफ वहां पढ़ लियो 1500 प्रश्न की, हरियाणा जी के मैं कहने लगा अपना हिसाब से 25 में 22-23 नंबर की कोशिश करांगे, 20 तो ग्रुप पर नंबर आऊंगी अपना सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आवे तो शेयर करियो, ना पसंद आवे तो शेयर ना करियो, लाइक डिसलाइक अपने भगवान की दात आपके ऊपर निर्भर है, मैं जिसी मेहनत कर रहा हूं आप देख लियो, गारंटी दूं और यहां जी के मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। साथियों जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।